सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल विनायक मूवीज अपडेट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसमें एक गेम है जिसका नाम है गेम ऑफ डेथ। इसके रूल्स बहुत ही सिंपल हैं, मारो या मर जाओ। अगर नहीं मार पाए तो वो गेम अपने आप किसी को मार देगी। है ना एक इंटरेस्टिंग गेम। इस मूवी का नाम है गेम ऑफ डेथ। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 out of 10। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चले शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम होते हैं मैट, बेथ, टॉम, कैनी, टेलर, एशली और मैरी। इन सभी के हाथ एक गेम लगती है जिसका नाम गेम ऑफ डेथ है। ये लोग शहर से दूर एक घर में पार्टी करने के लिए आए होते हैं। मैट इस गेम के नियम पढ़ता है जो कि एक कार्ड पर लिखे थे। कार्ड पर लिखा था कि गेम में कुछ कुछ समय के अंदर अपने आप को या दूसरों को मारना होगा, आखिर में जो जिंदा रहेगा वो जीतेगा। इसके बाद सभी गेम खेलने लगते हैं। वो अपनी एक उंगली गेम बॉक्स पर रखकर स्टार्ट बटन दबाते हैं जिसके बाद वो गेम सभी की उंगलियों से ब्लड लेती है और गेम स्टार्ट हो जाती है और गेम बोर्ड पर 24 लिखा आता है। पर टॉम इस गेम को एक गंदा मजाक बताता है और अपनी उंगली साफ करने चला जाता है। लेकिन बेथ इस गेम के नियम आगे पढ़ती है। अगर किसी ने समय रहते दूसरे को नहीं मारा वो गेम अपने आप किसी प्लेयर को मार देगी और गेम तब खत्म होगी जब काउंटर पर 0 लिखा होगा और तब सिर्फ एक ही प्लेयर बचेगा, वो ही विनर होगा। और अगर आपने इस गेम को एक बार स्टार्ट कर दिया तो आप इसे बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। इस गेम का सबसे बड़ा नियम है मारो या मर जाओ। सभी दोस्त इसे एक मजाक समझते हैं और टेलर इस गेम को छोड़कर बाहर आ जाता है और बाकी दोस्त भी उसके पीछे बाहर आ जाते हैं। कुछ देर बाद कैनी मैट को बियर पिलाने की कोशिश करता है जिसके बाद मैट की तबीयत खराब हो जाती है। मैट कहता है मुझे दर्द हो रहा है और तभी उसका सर फट जाता है। कैनी, टेलर, एशली और मैरी सभी बहुत डर जाते हैं और चिल्लाते हैं। और वहीं अंदर गेम के पास टॉम और बेथ बैठे थे और मैट की मौत के बाद उस गेम पर लिखा आता है 1 down। टेलर जल्दी से सबको अंदर आने के लिए कहता है। वो सभी जमीन पर लेट जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जैसे कोई बाहर से शूट कर रहा है। टॉम और बेथ बाहर खिड़की से देखते हैं, उन पर कोई नज़र तो नहीं रख रहा, पर बाहर कोई नहीं होता। लेकिन टेलर को यकीन था कि बाहर कोई स्नाइपरमैन ज़रूर है। उसके बाद उनके दरवाजे पर आहट होती है। आहट सुनकर टॉम अपनी गन निकाल लेता है। टॉम जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ एक ओल्ड मैन होता है। वो उसे अंदर खींच लेता है और उसके सिर पर गन रखकर उसका नाम पूछता है। उन सभी को लगता है कि इसी ने मैट को शूट किया है। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ और तुम्हारी चीखें सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन उस ओल्ड मैन की बातों पर कोई यकीन नहीं करता और उसी वक्त कैनी के सिर में भी दर्द होने लगता है और उसका सर भी मैट की तरफ फट जाता है। सभी लोग कैनी और मैट के खून से लथपथ हो जाते हैं। मैरी पुलिस को फ़ोन कर अपनी लोकेशन बताती है और उन्हें यहाँ आने को कहती है। उसके बाद टॉम उस गेम के पास जाता है। वो आकर सबको बताता है कि ये गेम असली है क्योंकि जब ये शुरू हुई थी तो काउंटर पर 24 लिखा था और मैट और कैनी के मरने के बाद अब काउंटर पर 22 लिखा है। बेथ उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। ये बातें सुनकर टेलर इस गेम को तोड़ने की कोशिश करता है और उससे नहीं टूट पाता। अब टॉम सभी को कहता है कि मैं इस ओल्ड मैन को मार रहा हूँ क्योंकि इस गेम के अनुसार किसी को तो मरना है और मैं मरने वाला नहीं हूँ। और इसी के साथ वो ओल्ड मैन को भी शूट कर देता है। अब गेम पर फिर 1 down लिखा आता है। इसके बाद टॉम सभी को यहाँ से चलने के लिए कहता है और बेथ जाते समय गेम को अपने साथ उठा लेती है। अब वो सभी टेलर की गाड़ी में वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उनके सामने से पुलिस की गाड़ी गुजरती है, इसीलिए मैरी उन्हें वापस चलने के लिए कहती है पर कोई उसकी बात नहीं मानता। और टॉम कहता है कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें 21 लोगों को मारना होगा। लेकिन मैरी कहती है कि मैं किसी को नहीं मार सकती। तभी उनकी गाड़ी के आगे एक लड़का आ जाता है पर टेलर सही समय पर गाड़ी रोक लेता है। लेकिन टॉम उसके सर पर गन रखकर उस लड़के को हिट करने के लिए बोलता है। गन देखकर टेलर उसकी बात मान लेता है और उस लड़के के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। लेकिन गेम से कोई आवाज़ नहीं आती तो टॉम उसे गाड़ी बैक करने के लिए बोलता है। टेलर गाड़ी बैक करता है लेकिन वो लड़का फिर भी नहीं मरता, इसीलिए टॉम गाड़ी से बाहर निकलकर उसे गन से शूट कर देता है। और तभी एक औरत उनकी तरफ जॉगिंग करते हुए आ रही थी। टॉम उस पर ही फायर करता है
पर वो बचकर भाग जाती है और आगे जाकर गिर जाती है। टॉम अपनी बहन बेथ को गन देकर कहता है, इसे शूट कर दो, पर बेथ कहती है कि मैं इसे नहीं मार सकती। तभी टॉम उसके हाथ से गन ले लेता है और उस औरत को मार देता है। अब इसके बाद टेलर और एशली टॉम को ये सब करने से मना करते हैं। वो गाड़ी से बाहर रोड पर खड़े थे और गाड़ी में अंदर मैरी बैठी थी। अब उनके पास एक रेंजर आती है जिसके हाथ में गन होती है। वो अपनी गाड़ी को रोक लेती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम सब ठीक हो। एशली कहती है, हमारी टक्कर एक हिरन से हुई थी लेकिन हम सभी ठीक हैं। रेंजर पूछती है, हिरन कहाँ है। टेलर बताता है कि हमने उसे झाड़ियों में फेंक दिया है। वो रेंजर जाने लगती है पर इतने में अंदर बैठी मैरी का सिर फट जाता है। रेंजर गन ऊपर कर अलर्ट हो जाती है। टॉम उस पर अपनी गन से फायर करता है पर एशली उसका हाथ पकड़ लेती है और टॉम एशली को गन पॉइंट पर लेकर रेंजर को रोकता है। फिर वो बेथ के साथ टेलर की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। एशली और टेलर वहीं रेंजर के पास रह जाते हैं। इसके बाद रेंजर वाइल्डनेस से मदद मांगती है और तभी टेलर के सिर में भी दर्द शुरू हो जाता है। रेंजर को कुछ समझ नहीं आता पर वो उसकी मदद करना चाहती थी, पर एशली को सब पता था इसीलिए वो रेंजर को मार देती है और टेलर की जान बचा लेती है। एशली और टेलर रेंजर की गाड़ी और गन लेकर वहाँ से चले जाते हैं और क्योंकि टेलर की गाड़ी में GPS ट्रैकर लगा होता है जिसमें टॉम और बेथ भागे थे, इसीलिए टेलर अपने दोस्त को फ़ोन कर अपनी गाड़ी की लोकेशन पता करने को कहता है। दरअसल एशली निर्दोष लोगों को मारने की बजाय अपनी जान देकर इस गेम को ख़त्म करना चाहती थी और टेलर भी ऐसा ही करके गेम को एंड करना चाहता था, पर दोनों को टॉम और बेथ के बारे में पता था वो लोग अपनी जान दूसरों के लिए कभी नहीं देंगे, इसीलिए वो उनके पीछे जाते हैं। अब टॉम और बेथ एक हॉस्पिटल में जाते हैं। दोनों बहुत से लोगों को मारते हैं। वो लोगों को मारकर काउंटर पर 0 लाना चाहते थे जिससे वो सेफ हो जाएं। और वहीं पीछा करते हुए एशली और टेलर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहीं हॉस्पिटल में एक छोटी सी लड़की कहीं पर जा रही थी जो कि एक पेशेंट होती है। बेथ उसके सामने आकर ठहर जाती है और उसे मारने लगती है, पर तभी एशली और टेलर वहाँ आ जाते हैं। एशली उसे गन नीचे करने के लिए बोलती है पर बेथ उसकी बात नहीं मानती। एशली कहती है, लड़की को छोड़ दो, मुझे मार दो। बेथ एशली की तरफ देखती है। इसके बाद तुरंत एशली बेथ को मार देती है। अब टेलर और एशली लड़की को लेकर वहाँ से जाते हैं। तभी पुलिस भी हॉस्पिटल में आ जाती है और दूसरी तरफ टॉम बेथ को मारा देखकर रोने लगता है। तभी एशली और टेलर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग निर्दोष लोगों को नहीं मार सकते हैं। इसके जवाब में टॉम कहता है कि हम भी निर्दोष ही हैं और ये कहकर वो नीचे से अपनी गन उठाने लगता है, पर तभी टेलर उसे रोक लेता है और उसे मार देता है। अब गेम काउंटर पर सिर्फ 1 लिखा आता है और अचानक एशली टेलर को 3 गोलियाँ मारती है और इस गेम को जीत लेती है। पर तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी उसी गेम को एक पुलिस ऑफिसर को गिफ्ट देता है और बस ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमें इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ये गेम कहाँ से आया है, इस गेम की शुरुआत कैसे हुई और ये गेम उस घर में कैसे आया। ऐसा हो सकता है कि शायद इस गेम का अपना ही एक दिमाग हो जिससे वो लोगों को इसी तरह से फांसता हो और पहले उसने इन सब को शिकार बनाया और अब वो नया शिकार ढूंढेगी उस पुलिस ऑफिसर के ज़रिए। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। तो दोस्तों, ये थी गेम ऑफ डेथ मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।